और म्यूजियम से निकलते ही बाहर पूरा बुक स्टोर लगा हुआ है। तो भाई ये यहाँ पे पूरा बुक स्टोर लगा हुआ है। हाँ भैया क्या देख रहे हो? क्या है ये नानी वॉक टू पार्क। तो भाई ये लगा हुआ है यहाँ का पूरा बुक स्टोर। बाकी चलते हैं टॉय ट्रेन की तरफ। भाई ये रेल म्यूजियम में टॉय ट्रेन है छोटी सी, इसमें छोटे से लेके बड़े सारे बैठ सकते हैं। ये यहाँ पे टिकट काउंटर है। ये छोटा सा म्यूजियम जंक्शन के नाम से ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। ये ट्रेन एक छोटा सा चक्कर लगाती है एक मिनट का, जो वहाँ से ये घूम के आएगी और बस यहाँ से ये बस वापस स्टेशन पे लेके छोड़ देगी। इसका एक से दो मिनट का चक्कर है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ इसी पे आती है वो। ये सारे पुराने टाइम के। हो जाओ खड़े। ये सारी फोटो के लिए पोजीशन ले रहे हैं अपने। बहुत बढ़िया। तू कैसे चढ़ेगा? चढ़ गया ये। ओए साथ में ही रहना, इधर उधर मत भाग जाना। ₹500 जो मारना है चढ़ेगा तो। ये फिर से पोज देते हुए। तो भाई जैसा मैं बता रहा था, इस ट्रेन का एक से दो मिनट का ही चक्कर है, ज्यादा नहीं है। तो ये देखो ये घूम गोल चक्कर पूरा मारते हुए आ भी गई है। तो भाई ये है पूरी यहाँ की टॉय ट्रेन। और यहाँ से बस थोड़ा सा आगे जाते ही वहाँ पर है इसका रेलवे स्टेशन। तो भाई सिर्फ दो मिनट का चक्कर है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और म्यूजियम के अंदर भाई जिसको भूख वगैरह लगी है तो उसके लिए कि ये कैफेटेरिया भी बना हुआ है, तो यहाँ पर मतलब जाके हम कुछ खाना पीना है तो वो खा सकते हैं। ये एक कैफेटेरिया बना हुआ है यहाँ पे। बाकी ये यहाँ पे एक स्मॉल पार्क है। बाकी ये सारी पुराने टाइम की जितनी भी ट्रेन है ये सारी वो लगी हुई हैं, जो हाल फिलहाल शायद अब तो ये चलती भी नहीं है, मतलब ऐसी तो है ही नहीं, मैंने देखी नहीं। इस पर कुछ करना भी होता है, बैठना नहीं होता इस पर बस। वो हमारे लेवल का नहीं है भैया। नहीं कुछ नहीं नहीं कुछ तो करते ही होंगे इस पे। ये बना किस लिए? इसलिए खाली फोटो खिंचवाने के लिए। बस फोटो खिंचवाने के लिए। ये बाकी ये भाई यहाँ पे छोटे मोटे झूले हैं। चलो भाई चलो आगे चलते हैं। ये मेरा सबसे नोटी स्टूडेंट। आराम से तोड़ मत दियो। तो भाई ये एक पुराने टाइम का इंजन है, मतलब ये सारे वो हैं कि मतलब ये देखने को शायद आपने मतलब देखने को मिलते नहीं अभी रेलवे स्टेशनों पे देखोगे या कहीं भी, मतलब ये बहुत पुराने टाइम के हैं। तो बाकी वहाँ पे एक मॉडल बना हुआ है। हाँ भाई गैंग आ जाओ। तुम्हारी गैंग में बस मैं ही बोलता हूँ। मेरी गैंग में तो बस एक ही है बोलने वाला, और वो कौन है? वो है सचिन। क्या वो गुफा के अंदर जाना? ये यहाँ पे एक टिकट घर बना हुआ है भैया। वो गुफा के अंदर जाना अलाउड है? ये पूरा एक मॉडल बना हुआ है यहाँ पे ट्रैक का। ओए ये क्या है? गुफा बनी उधर। ये देख ले, ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे। ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है। लखनऊ का
ऐसा नहीं है मेरे गांव का, मैंने देखा है। तेरा गांव ऐसा है? लखनऊ में रहता है तू? हाँ मैं भी लखनऊ ही हो गया तुम? झूठ बोल रहे भैया। अच्छा यूपी में लखनऊ कहते हैं, लखनऊ के सब नवाब होते हैं। हैं वो कहाँ चला गया वे बंदर? अबे ये कहाँ से रास्ता ढूंढ लिया तुमने? ओ ये कौन सी सुरंग है? ओए ओ भाई नीचे आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे, आ जाओ बंदरो। ओ बंदरो नीचे उतरो, आओ नीचे आओ। वो दे बंदर, वो कहाँ चढ़ गया? 49 टन पानी भरते जाना चाहिए। ये ब्रिज है ना? ये स्विमिंग पूल ही है भाई। ये यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है पानी भर, जैसा तुमने देखा होगा बीच में नदी वदी आती है तो उसके ऊपर से ऐसे पटरी बनी हुई होती है, तो उसी तरीके का है कुछ। किससे हाइट बढ़ेगी? हाँ बढ़ा ले, लटक जा। ये फिर से ऐसे गोल घूमते हुए जाएगी वहाँ से, और ये वहाँ से ले जाके एंड कर देगी। बस एक मिनट की बात है इसकी सारी, और इसकी टिकट बहुत ही सस्ती है, सिर्फ 100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। एक बात है भाई, बच्चों को घुमाने लाओ, मतलब बच्चे खुश होते हैं काफ़ी, इनको थोड़ा सा कुछ मतलब फ्रीडम सी मिल जाती है कुछ हरकतें करने की। जैसे वो देखो, वो एक फिर से वो ऊपर चढ़ा हुआ है वो अपने अलग अलग से पोज दिए जा रहे हैं, एक को देख के दूसरा भी फिर सोचता है कि चल यार मैं भी चढ़ता हूँ। ये है कि बाहर थोड़े से ये फ्री हो जाते हैं। वो बंदर कोई देख लेगा, नीचे आ जा। 500 रुपये कितने लेंगे? 500 रुपये क्या देना? ये हमारा फोटोग्राफर है, जानते नहीं है मुझे, ठीक है मांगेंगे तो उनको निपट लेना तुम्हें। हाँ ये चढ़ तो गया, अब इससे उतरना मुश्किल है। अब तू उतरेगा कैसे? अब लटका रहे। हाँ भैया मुंह धर कर, मुंह धर करना, पहले मुंह धर कर, पहले मुंह घुमा दोनों हाथों से उस पीले वाले डंडे को पकड़। अब नीचे पैर लगा, अब आन दे ऊपर वाले पे रख पहले। हाँ ऊपर वाले पे रख, अब हाथ से नीचे पकड़ थोड़ा सा, और नीचे हाथ पकड़, आ जा हाथ और नीचे कर, आ जा बस शाबाश। अब वही ड्राइवर भाई ये मरवाएंगे सारे, ये जहाँ पे अलाउड नहीं है ना ये वहीं पहुंच रहे हैं सारे के सारे। भाई नीचे उतर जा, सारी ये वो एक्टिविटी है जो अलाउड नहीं है। मेरे मम्मी ने मना किया था ज्यादा उछल कूद नहीं करने को। हाँ पर पापा सब देख लेंगे तू कितना उछल रहा है, कितना कूद रहा है। भाई ये क्या है? ये राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। अच्छा ये महात्मा गांधी जी हैं। भाई ये हैं गांधी जी। और यहाँ पे सामने की छोटा सा कोई पार्क बना हुआ है। तो भाई ओवरऑल ये है इंडियन रेलवे का, और बाकी जितने भी रेलों के मतलब जितने भी ट्रेन के इंजन्स वगैरह हैं, बाकी पहले जितनी भी यूज़ होती थी वो सारी हैं यहाँ पर, यहाँ एक से एक मॉडल बन के लगे हुए हैं। तो भाई रेल म्यूजियम घूम के भूख लग रही है बहुत तगड़े वाली, तो इन चारों को तो एक एक प्लेट मिल चुकी है, हमारी अभी तैयार हो रही है, बाकी अपना अभी चल रहा है बन रहा है। तो भाई फाइनली हमने रेल म्यूजियम पूरा देख लिया है, ठीक है। तो जैसा भी देखा है मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे कोई बुक स्टोर भी लगा हुआ है तो एग्जीबिशन चल रहा है, और यहाँ पे क्विज वगैरह भी हो रही है बच्चों के लिए, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और बाकी अगर इसकी टिकट की बात करूँ तो जैसे अडल्ट के लिए वीकेंड पे 100 रुपीज़ की, और वैसे ये 50 रुपीज़ की है, और जो चिल्ड्रन है जो 3 से लेकर 12 की एज के हैं उसकी है वो मतलब 20 रुपीज़ की टिकट है वीकेंड पे, अदरवाइज़ फ्री है। तो भाई ओवरऑल बहुत अच्छा है,
बाकी ये मेरे साथ जो बच्चे आए थे इनसे पूछता हूँ भाई। हाँ भाई, तो कैसा लगा तुम्हें? हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे पुराने जमाने की ट्रेन देखने। तुमने ये पहली बार देखा या पहले भी? मतलब नहीं, मैंने ये फर्स्ट टाइम आए हो ना यहाँ पे? फर्स्ट टाइम देखा। हाँ तो भाई कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा देखने में। तो भाई इनको जैसा भी है ओवरऑल इनको अच्छा लगा और इन्होंने काफ़ी मस्ती भी करी। यहाँ पे जहाँ जहाँ अलाउड नहीं था ना कि उस ट्रेन में नहीं जाना, ये वहीं गए हैं सारे। तो इन्होंने चढ़ चढ़ के दबा के फोटो खिंचवाए, तो ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया। तो भाई आज के लिए इतना, और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। Thank you.